नई मॉडल यामा MT-15 इंडियन मार्केट में आ चुकी है, लेकिन क्या नई मॉडल MT-15 हमें लेना चाहिए या अभी भी हमें MT-125 का इंतज़ार करना चाहिए? ऐसे जो क्वेश्चन है अभी भी हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, और क्यों नहीं घूमेंगे भाई। एक बार बाइक लेता है एक मिडिल क्लास आदमी जो बहुत बड़ी मुश्किल से मेहनत करके बाइक खरीदता है, उसके बाद भी यार यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो गई लेने के बाद तो बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। सो मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक है हमें क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं दोस्तों कि MT-125 का अभी भी आपको वेट करना चाहिए या नई वाली 2023 2.0 का जो नया मॉडल है वो हमें खरीद लेना चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो MT-15 है वो इंडियन मार्केट की एक बेस्ट बाइक है। इस सेगमेंट में आपको इससे बेहतर जो बाइक है मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी। कुछ कमियाँ थी इस बाइक में, लेकिन कंपनी ने अब वो भी इस बाइक में जो कमियाँ है वो दूर कर दी है। हालांकि जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। अभी ये एक्सरूम प्राइस 1,68,400 रुपये के आसपास की एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है, और ऑन रोड प्राइस अब ये बाइक अराउंड 2,04,000 रुपये के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस हमें देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के चेंजेस के बारे में कि कंपनी ने इस बाइक में क्या क्या मेजर चेंजेस किए हैं। देखिए MT-15 में बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले जो कमी थी इस बाइक में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम वाली, कंपनी ने वो फाइनली इस बाइक में दूर कर दिया है। लास्ट टाइम तक इस बाइक में सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम आता था, बट फाइनली दोस्तों यामा वालों ने अब इस बाइक में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम दे दिया। एक कमी थी, ये कमी दूर हो गई। उसके बाद बाइक में आपको बताना चाहूँगा ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, TCS जो है पहले नहीं मिलता था, बट इस अपडेट में अब आपको बाइक में TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल जो सिस्टम है वो भी कंपनी ने ऐड कर दिया। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा दोस्तों MT-15 में एक और बहुत बड़ी कमी थी कि बाइक में आपको जो टर्न सिग्नल लाइट मिलते थे वो बल्ब देखने को मिलते थे, बट फाइनली यामा वालों ने अब इस बाइक में आपको LED जो इंडिकेटर है वो भी प्रोवाइड कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक में जितनी सारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें अब आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं MT-125 के बारे में। देखिए MT जो 125 है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ दो बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि बाइक की जो प्राइस रहेगी वो थोड़ी सी कम रहेगी, और बाइक का जो माइलेज रहेगा वो MT-15 के कंपेयर में थोड़ा हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो भी 14.5 PS के आसपास की पावर जनरेट करेगी और ये भी 18.4 के आसपास की PS पावर जनरेट करती है, तो 4 PS की पावर में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा पावर में भी और प्राइस में भी। प्राइस में भी अगर वो आती है तो मेरे हिसाब से मुश्किल से 30,000 से 40,000 रुपये सस्ती होने वाली है। हालांकि मैं जानता हूँ 30,000 से 40,000 रुपये इस बिग अमाउंट, लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि MT-125 का वेट करने का फिलहाल कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि MT-15 में ऑलरेडी कंपनी ने इतने सारे अपडेट कर, और MT-15 लेने का एक सबसे बड़ा कारण है इस बाइक का माइलेज, क्योंकि MT-15 भी आपको काफ़ी अच्छा जो माइलेज है वो निकाल कर देती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को MT-125 का फिलहाल वेट नहीं करना चाहिए। नई वाली जो MT-15 आप लोग देख पा रहे हैं भाई वीडियो में, ये नई वाली MT-15 है, इसका जो लुक है इसका जो डिज़ाइन है वो भी आपको बहुत प्यारा देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बाइक ले लेनी चाहिए। देखिए MT-15 लेने के भी बहुत सारे कारण है, वो कभी आपको प्रॉपर रीजन बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं बता दूं तो इस बाइक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इस बाइक का फीचर अब बहुत अच्छा हो गया, और इस बाइक की जो माइलेज है वो भी आपको किसी 125 बाइक्स की तरह देखने को मिलती है। इंडियन मार्केट में अगर आप ड्यूक 125 लेंगे तो ड्यूक 125 40 से 45 का माइलेज देती है, और MT-15 एक आपको पता है 155 cc की बाइक है जिसकी परफॉर्मेंस पूरी की पूरी ड्यूक 200 जैसी है, बट इसमें आप लोगों को माइलेज 42-45 के आसपास का देखने को मिलता है। तो भाई जापानीज टेक्नोलॉजी ने आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन काम किया है, तो आई थिंक आपको आंख बंद करके MT-15 ले लेनी चाहिए। देखिए MT-125 भी बहुत प्यारी बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है, और वो बाइक इंडियन मार्केट में आएगी भी, आना भी चाहिए, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई कहीं ना कहीं उस बाइक की जो पावर रहेगी वो काफ़ी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू MT-15। तो MT-15 में आपको जो पावर है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है, अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो परफॉर्मेंस भी आपको वैसे ही मिलेगी। MT-125 में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम भूल जाइए, MT-125 में स्लीपर क्लच भूल जाइए, MT-125 में TCS भूल जाइए, तो ये सारी चीज़ें आपको MT-125 में मिलेगी भी नहीं। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पावर का फर्क रहेगा, और भी बहुत सारे फीचर, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं MT-15 में, वो भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप MT-125 का वेट करते हैं या फिर MT-125 लेते हैं। हालांकि ये तो दूर की बात है, MT-125 पहले इंडियन मार्केट में आए तो वाली बात है। सो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को MT-15 जो है वो ले लेनी चाहिए, फिलहाल यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।